एक आदमी जीवन भर की पाई पाई मेहनत लगाकर एक कोई प्लॉट खरीदता है, वो एक मकान खरीदता है, और जब उसको पता लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने सेल डीड करा ली, फिर भी मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और आज उस प्रॉपर्टी का मुझे पोजेशन नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और मैं आपको मेरे लिटिगेशन के एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय सही से चेक नहीं करते। जब आप कोई सामान खरीदने से पहले उसको चार बार चेक करते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्यों चेक नहीं करते? प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आपके साथ तीन तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, वो कौन से फ्रॉड है आज हम उसको वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वो तीन फ्रॉड आपके साथ ना हो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर। अब प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन फिर भी फ्रॉड हो जाता है? जी हाँ, क्योंकि कई सारी चीजें होती है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज उन्हीं बातों को हम यहाँ पर जानेंगे और उसका सॉल्यूशन भी। तीन तरह के फ्रॉड्स होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रॉड की बात करें तो वो होता है टाइटल का फ्रॉड। जी हाँ, प्रिंसिपल होता है सबसे फेमस एक प्रॉपर्टी लॉ का, जिसे कहते हैं कि कोई भी पर्सन अपने से बैठे टाइटल को कभी भी सेल नहीं कर सकता। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तब आपको लगता है कि यार ये पर्सन जिसने हमको प्रॉपर्टी बेची उसने ऑलरेडी किसी और को बेच रखी है, या फिर उसके पास टाइटल ही नहीं था प्रॉपर्टी बेचने का, फिर भी उसने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, और ऐसा खासकर उन प्रॉपर्टी में भी देखने को मिलता है जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी एक्स पर्सन से, वो प्रॉपर्टी एक्स पर्सन यानी इन दो भाइयों के बीच में बटी हुई थी। अब आप क्या करेंगे? आपने जब प्रॉपर्टी ली एक्स पर्सन से तो आपको तो लगा कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन जो एक्स का ब्रदर था वाई, उसने आप पे क्लेम कर दिया कि सर आपने ये प्रॉपर्टी खरीद कैसे ली सिर्फ एक्स से, जबकि इस भूमि का मालिक तो मैं भी हूं यानी वाई भी हूं। तब आप क्या करेंगे? इसलिए ये प्रॉपर्टी का फ्रॉड होता है टाइटल फ्रॉड। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदें तो टाइटल को चेक कराएं। आप किसी भी एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं, मैंने एक वैसे नीचे लिंक भी दिए, आप वहां जाके भी क्लिक करके आप अपने प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। यानी आप सबसे पहले पता लगाएं कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम पे है या नहीं है। टाइटल को हमेशा चेक करें। और एक और बात, टाइटल भी चेक कर लिया लेकिन अगर वो जमीन उसके नाम पर नहीं है तो इसके लिए आपको अपने जो भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वहां पर जाके प्रॉपर्टी का मालिक का नाम चेक करना होगा। यानी आपको ये चेक करना होगा कि प्रॉपर्टी उसके टाइटल तो है लेकिन क्या उसके नाम पे म्यूटेशन है या नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर्टी फ्रॉड, और उससे बचने का तरीका यही है कि किसी वकील से सलाह लें, प्रॉपर्टी के टाइटल को वेरीफाई करा लें। दूसरा फ्रॉड होता है पोजेशन को लेके। यानी प्रॉपर्टी आप जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम पे टाइटल भी था, उसके नाम पे म्यूटेशन भी था, फिर किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? अभी भी एक फ्रॉड हो सकता है, वो होता है पोजेशन का। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होती है लेकिन कब्जा किसी और का होता है। अब मुझे पता है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं है और मैं इस जमीन को खाली नहीं करा सकता, या फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रेंट पे दिया है और किरायेदार खाली नहीं कर रहा, तो कौन इस प्रॉब्लम में फंसे और इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं? तो जो अगला लेगा वो जाने, उसका काम जाने, ये अक्सर हम मेंटेलिटी होती है। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो टाइटल के साथ साथ उस प्रॉपर्टी पर जाएं, उस प्रॉपर्टी पर देखें कि कोई किराएदार तो नहीं है, कोई आपसे मुकदमे तो नहीं चल रहे, क्या ये प्रॉपर्टी का पोजेशन उस पर्सन के पास है जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो शायद आपके साथ पोजेशन वाला धोखा भी नहीं होगा। इसलिए आप एक काम और इसके लिए कर सकते हैं, आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं और वहां जाके एक पर्सन विजिट भी करेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप पोजेशन के होने वाले धोखे से भी बच सकते हैं। तीसरा फ्रॉड की बात करते हैं, वो होती है पावर ऑफ अटॉर्नी का फ्रॉड। जी हाँ, देश में मोस्टली प्रॉपर्टियां बेची जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू पे। वैसे तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि प्रॉपर्टी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड सेल डीड से लें तो ज्यादा फायदा रहता है, लेकिन चूंकि मोस्टली प्रॉपर्टियां पावर ऑफ अटॉर्नी से बेची जाती है तो इसके बारे में, फ्रॉड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक्स पर्सन ने वाई को ऑथोराइज किया है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, और मैंने यानी जेड ने वाई से प्रॉपर्टी खरीद ली थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। अब मुझे क्या पता कि जिस एक्स पर्सन ने वाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसने कैंसिल कर दी हो, क्या पता एक्स पर्सन की डेथ हो गई हो, क्या पता उनके आपस में कुछ झगड़ा हो गया हो और कुछ भी बात हुई हो, तो हाउ डू यू असर्टेन, आपको क्या पता कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी स्टिल वैलिड है? या ये भी हो सकता है कि उस एक्स पर्सन ने वाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो उसने वाई के साथ साथ किसी एक ए पर्सन को भी दे रखी है और दोनों जने प्रॉपर्टियां मार्केट पे बेच रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे?
इसलिए जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी से लें तो उसके फ्रॉड से बचने का मैं आपको आज एक रामबाण इलाज बता देता हूं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से, तो हमेशा जब भी आप पेमेंट का ट्रांसफर करें तो हमेशा किसके नाम पे करेंगे, जो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला है, यानी इस केस में एक्स पर्सन को करें, सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें। क्योंकि अगर उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो वो कभी भी पलट के आके आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी नहीं दी, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा तो आपका पहला सवाल ये होगा कि फिर आपने पेमेंट मेरे से क्यों लिया। तो आप हमेशा जब भी पेमेंट ट्रांसफर करें तो उस पर्सन के अकाउंट में करें जिससे आप पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने दी है। दूसरा, आप चाहें तो अखबार में भी एक छोटा सा ऐड दे सकते हैं। आप जनरली आपने पढ़ा होगा अखबार में एक सूचना आती है वकील के थ्रू कि हमें सूचित करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदने, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें 15 दिन में संपर्क करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आप जब सेल डीड कर रहे हो, जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हो, तो आप उसकी एक कॉपी स्पीड पोस्ट से उस पर्सन के घर भेज दें जिसने आपको प्रॉपर्टी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। इससे क्या होगा, इससे आपके ये भी रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपने उसको स्पीड पोस्ट से नोटिफाई कर दिया है कि भाई आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी पर्सन को दी थी, मैं उसे खरीद रहा हूं और मैं आपको ध्यान मिला रहा हूं। तो आप उसको पेमेंट करें चेक से उसके अकाउंट में, आप अखबार में भी दें और उसको स्पीड पोस्ट भी कर दें। और क्यों ना आप एक काम कर सकते हैं, आज का जमाना टेक्निकल जमाना है, आप एक वीडियो कॉल करें, आपस में बात करें, उसको रिकॉर्ड कर लें कि सर आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसको वाई पर्सन को वैलिड है और उसे मैं खरीद रहा हूं। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ कभी पावर ऑफ अटॉर्नी के रिलेटेड फ्रॉड नहीं होगा। तो आज हमने बात करी टाइटल का फ्रॉड, पोजिशन का फ्रॉड और पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉड के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों फ्रॉड से आप बचेंगे अगर आप जागरूक होंगे, और आप जागरूक होंगे तो ही हमारा उद्देश्य सफल होगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।